नमस्कार, आज हम आए हैं महामाया मंदिर जो प्रमंडल से 2 किलोमीटर आगे है और जहाँ पे जो हर वर्ष जो भंडारा किया जाता है। चलो आज हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। और जो हमारे साथ हैं अनिल वर्मा जी, चलो उनसे पूछते हैं कि इनकी जो महानता है वो क्या है। और अनिल वर्मा जी बताएं जरा इनकी महात्मा। सबसे पहले मैं स्टेट समाचार, दैनिक स्टेट समाचार का धन्यवाद करता हूँ जो ये कवरेज कर रहे हैं इधर आके। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये जो वार्षिक भंडारा होता है ये फरवरी के 3rd वीक होता है, 22 को या 21 को भी आता है। इसकी मान्यता ये है कि इधर सब जगह सूखा ही सूखा है, देख लीजिए। इधर 2,000-2,500 यात्रु आते हैं और जो पानी वगैरह वो इधर एक ऐसे गुण है, पवित्र गुण है, उसमें से ही आता है। और हमारे जो बाबा जी हैं जो जंगल में अकेले रहते हैं, महामाई का दरबार है सच्चा, तो देखिए बाबा जी भी कुछ बोल सकते हैं। बाबा जी थोड़ी महानता बताइए, इधर आप कैसे रहते हो, अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बैतालनाथ है, अभी घर ही रहते हैं। अच्छा वर्मा जी, ये कितनी देर हो गया जहाँ पे भंडारा जो चलते हुए? हमें अभी 22 साल हो गया इधर भंडारा करते हुए। पहले ऐसे 200-400-500 अभी हजारों की तादाद है, लेकिन जो जहाँ की गवर्नमेंट है वो काफ़ी इग्नोर कर रही है स्थान को, ऐसे हमारे पवित्र स्थान को। तो हम चाहते हैं कि दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से ऐसा कोई न्यूज़ आए, लोगों को मानता मिले, इधर आए देखें कि क्या है क्या नहीं, और थोड़ा इधर डेवलपमेंट की और ध्यान दें। अभी आपको इधर जहाँ से पानी आता है वो थोड़ा भंडारा थोड़ा ये दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे जो सिर्फ चारों तरफ जंगली जंगल है, यहाँ पे माता रानी का जो मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है। एक ये लोग जो यहाँ पे यहाँ आए हैं भंडारा खाने के लिए आए हैं, काफी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। जो भी मान्यता इधर मांगते हैं सबकी पूर्ण होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं कि हम कब भंडारा आएगा और महामाया के मंदिर जाएंगे। ऐसे जंगल एरिया में देखिए आप कि क्या कैसी महामाया ही समझ लो। काफी दूर दूर से श्रद्धालु आए होते हैं। वर्मा जी, ये जो पानी का स्रोत है इसका तो कोई पता है कि कहाँ से आता है, ये कहाँ से निकलता है? ये हम तो अभी छोटे ही हैं, 20-22 साल हो गए हमें भंडारा करते हुए। सुनने में आता है कि जहाँ चारों तरफ से सूखा ही सूखा, लेकिन ये जो कुंड है महामाई का, ये दिखा सकते हो आप मिंटू जी, ये नीचे जाके ये जो कुंड है इधर से सारा पानी इस्तेमाल होता है। ये देखिए जो यहाँ का जो कुंड है ये है, इसका ही जो पानी है यहाँ का जो इस्तेमाल होता है, जो यहाँ के आसपास के गांव के घर हैं वो भी इसी को पीते हैं। इतना नेचुरल पानी है कि जो भी बीमारी होगी दूर हो जाएगी। ये कहते हैं कि माँ माया के चरणों से पानी आता है। सब जगह सूखा ही सूखा है, कहीं से पानी नहीं आया। 2,500 बंदा इधर से रोटी बनेगी, इधर से पानी पिएंगे, इधर से ही सब कुछ होगा। आपको दिखाते हैं कि जहाँ देसी भाषा ही बोलना है कि जरा धान कटे दा ओदी रोटी बनती है। अच्छा, लोकल इंजा पहले पुराने लोग बनाते हैं। पुराने लोग बनाते हैं नेचुरल, कि इन्ना मजा आता इधर कि इसी लोग ज्यादा ज्यादा तो शेयर करो कि लोग इसे दिखन कि क्या देसी तरीके ने थे रोटी तैयार होती है। सारे हलवाई बैठे देखो देसी तरीके जो बैठे थे, इन्हें भी थोड़ी शॉट लाओ। देखिए जो पुराने तरीके से, पहले जो पुराने जो हमारे गांव में कैसे खाना बनता था, वैसे ही यहाँ पे महामाई के मंदिर में खाना तैयार किया जाता है, वो भी शुद्ध देसी घी से। देसी तरीके से कोई दाल बनी हुई है, अंबल बना हुआ है,